तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम लोग को अपना सबसे आखिरी टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि है आपके पास IFRS 15, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स, ठीक है जी। तो गिव मी अ मिनट, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये कौन है? अच्छा, मेरा यहाँ पे पेन भी काम नहीं कर रहा, जिसके मैं मिनट में उसको रिप्लेस करवा दूँ। तो हम लोगों ने आज अपना IFRS 15 वाला टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट करना है। IFRS 15 बेसिकली क्या है, इसको देख लेते हैं। सिलेबस में चेंज आया है विद रिगार्ड्स टू IFRS 15, ठीक है। और IFRS 15 बेसिकली आपका डील करता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। ये आपका इस स्टैंडर्ड का जो है वो टाइटल है, सही है जी। तो इससे पहले पिछले सेशन तक रेवेन्यू का टॉपिक आपके सिलेबस में था, लेकिन उसके अंदर स्टैंडर्ड कोई और था, IAS 18 था, जिसका टाइटल सिंपली क्या था, रेवेन्यू था। अब होता क्या है, ये बात आपको आगे जाके फर्दर क्लैरिफाई होगी। हमारे ये क्या है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी थोड़ा बहुत बताया हुआ, राइट। जिसमें हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मैंने जो आपको पढ़ाया, मैंने आपको कहा कि वो सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, IAS 16 में लिखी हुई है। अच्छा, जरा 2 मिनट दें, 2 मिनट दीजिए, ये टेक्निकल एक इश्यू आ रहा है, ये रिजोल्व करते हैं, तो मैं दोबारा रिज्यूम करती हूँ फिर। प्लीज डू नॉट लीव द मीटिंग, ठीक है। चलें जी, तो लेट्स रीस्टार्ट। तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू शायद आए, लेकिन आपने घबराना नहीं उससे, ठीक है। चलें, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई वाज टॉकिंग अबाउट IFRS 15। तो इससे पहले जो आपका रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या आपके क्या कहते हैं स्टैंडर्ड क्या है उसका, किस तरीके से आपको उसको चेक करना है, क्राइटेरिया क्या है उसके, वो पहले हमें पता लगता था। कौन से स्टैंडर्ड में वो पहले हमें बताया हुआ था, IAS 18 ने। अब मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दिया हुआ है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जितनी भी चीजें हमने हमने तो जनरलाइज फॉर्म में पढ़ी है, राइट। लेकिन ये सारी चीजें रूल के, मतलब रूल ये बेसिकली लिखे हुए थे, तरीके वो सारे लिखे हुए थे किसमें, IAS 16 के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड को ऐसे उठा के देखा नहीं, हमने स्टैंडर्ड को पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने वही चीजें आपको आसान करके, जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की, दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट गिवन इन द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब सिनारियो क्या था, जो हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड होता है, IASB कहते हैं उसको, तो IASB ने अब वो रिविजन लेकर आता रहता है, वो पुराने स्टैंडर्ड्स को खत्म करके उनकी जगह नए स्टैंडर्ड्स को लेकर आता रहता है। तो अब हुआ क्या कि IAS 18 के अंदर थोड़े से थे ड्रॉबैक्स, थोड़े से थे शॉर्टफॉल्स, यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली उनको देखें तो उसके अंदर काफी चीजें ऐसी थी जो कि इनकम्प्लीट थी, और वो मतलब वो क्लियर नहीं थी, वो आपकी सारे सिनेरियोस को कवर नहीं करती थी। तो IASB ने ये प्रोजेक्ट अंडरटेक किया कि अब दे केम अप विद अ न्यू स्टैंडर्ड, दैट वॉज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नंबर 15। और उसने ये कहा कि 1 जनवरी 2017 से ऑनवर्ड्स ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और ये वाला स्टैंडर्ड IAS 18 को कर देगा सुपरसीड, ठीक है। तो अब क्योंकि आपका इफेक्टिव डेट जो है वो आ चुका है, तो इस वजह से आए के आपने फिर आपके सिलेबस में, क्योंकि IAS 18 तो अब पुराना हो गया ना, IAS 18 तो आउटडेट हो गया, तो इस वजह से अब हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रूल्स पढ़ने हैं विद रिगार्ड्स टू दिस न्यू स्टैंडर्ड। तो अपेरेंटली जो बात ये हो रही है इंटरनेशनल अकाउंटिंग की दुनिया में, वो ये हो रही है कि अब हमारे जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो रेवेन्यू से रिलेटेड हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़े ज्यादा क्लियर हो चुके हैं IFRS 15 ने। IAS 18 के जितने भी ड्रॉबैक्स थे उन सबको खत्म कर दिया, ठीक है।
तो इंशाल्लाह हम कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे क्योंकि दैट इज नॉट रेलेवेंट, लेकिन हम ये चीज जरूर देखेंगे कि हमारे पास ये जो नया स्टैंडर्ड आया है उसने अब किस तरीके से वो रेवेन्यू को देखता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम पहले ये देखें कि रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू से सबको आइडिया तो है जी, रेवेन्यू होता क्या है। रेवेन्यू आपका होता है कि जी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि आपका जो मेन प्राइमरी बिजनेस है उससे आपकी कितनी कमाई होती है, उससे कितना इनकम होता है। तो रेवेन्यू का जो टर्म है दैट पर्टेन्स टू योर मेन इनकम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? रेवेन्यू का तो इतना कोई खास मसला है नहीं। अब हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू का बेसिक रूल क्या है, कि रेवेन्यू की रिकग्निशन होनी किस तरह से चाहिए। तो उसके लिए आपका जो स्टैंडर्ड है वो ये बात करता है, आपके सामने मैं लिख रही हूं, चाहे तो आप नोट कर लें चाहे तो बाद में इसको देख लीजिएगा, सारे स्टैंडर्ड के वर्ड्स हैं। ठीक है, एन एंटिटी शैल रेकग्नाइज रेवेन्यू टू डिपिक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेस टू कस्टमर्स इन एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स अब इसमें जो मेन पॉइंट चीजें होंगी ना वो मैं आपको बता दूंगी कि मेन पॉइंट आपको याद रखने वाले कौन से हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल टेंशन ना ले, स्टैंडर्ड की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल होती है। इन एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट द कंसिडरेशन टू विच द एंटिटी एक्सपेक्ट टू ठीक है एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, बस मैं यहां तक इसको रख रही हूं, जरा देखते हैं, जरा दोबारा देखते हैं। अब टेक्निकल लैंग्वेज में वो रेवेन्यू के बारे में जो मेन रिकग्निशन रूल जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि एक एन एंटिटी शैल रिकग्नाइज रेवेन्यू, यानी कि इनकम फ्रॉम योर मेन बिजनेस, फ्रॉम योर कोर ऑपरेशंस, टू डिपिक्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज। अब जैसी बात है, अब कोई बिजनेस है वो या तो गुड्स में डील करेगा या सर्विसेज में डील करेगा, इवन अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो जाएगी, गुड्स या सर्विसेज, राइट? टू कस्टमर्स, यानी कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट और किसकी हो जाएगी, कस्टमर्स इन्वॉल्व होंगे इन एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन टू विच द एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल टू। ये काफी बेसिक सी बात है, वो सिंपली स्पीकिंग वो क्या बात कह रहा है कि एक एंटिटी ने उतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है और इस तरीके से करना है कि वो प्रॉपर पिक्चर को प्रेजेंट करे। कौन सी पिक्चर को प्रेजेंट करे? दिस होल एक्टिविटी ऑफ सप्लाइंग अ गुड और सर्विस एंड रिसीविंग सम कंसिडरेशन अगेंस्ट इट। बहुत बेसिक सी बात है, राइट? बहुत ही बेसिक सी बात है, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि भाई जाहिर सी बात है हमें रेवेन्यू वही तो आइडेंट रिकग्नाइज करना है और उसी अमाउंट पर रिकग्नाइज करना है जो हमें हमें पता है कि हमें ये फ्यूचर में मिलेगी या हमें मिल चुकी, राइट? आपको पता है कि जैसे कि कोई सेल होता है किसी गुड्स और सर्विस का, तो जरूरी नहीं है कि उसके अगेंस्ट कैश हमें फॉरन से मिल जाए। कैश इज व्हाट? कैश मीन्स द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से मुराद क्या है? इट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट दैट इज टू बी रिसीव्ड, राइट? तो इन एनी केस यहाँ पे जो वो बात कर रहा है वो कह रहा है कि रेवेन्यू का बेसिक क्राइटेरिया तो हो गया ये, और जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अब इस क्राइटेरिया को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए IFRS 15 में जो मेजर चेंज आई है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम IAS 18, वो रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए लेकर आया है 5-स्टेप मॉडल, और हमें बेसिकली इस 5-स्टेप मॉडल पे ही फोकस करना है और हमें इसी के ऊपर अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ठीक है,
फाइव स्टेप मॉडल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। अब जो ऊपर उसने बात बोली है वो कैसे करनी है, यानी कि उसका कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका क्या है, वो तो हमें भी बताया कि उसने रेवेन्यू इस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना है, दैट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट दिस होल सिनेरियो ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसीविंग कंसिडरेशन देयर ऑफ। ठीक है, अब ये जो पांच स्टेप्स हैं इसका मैं आपको छोटा सा एक्रोनिम भी बता दूंगी, ठीक है, और मैंने आपको इंशाल्लाह फिर ये भी सिखाना है कि रेवेन्यू का क्वेश्चन आए क्या आपके एग्जाम में किस तरह का आएगा और आपको उसको आंसर किस तरह से करना है। मेजरली रेवेन्यू का जो टॉपिक है वो उसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है मेजरली, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल से आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है या नहीं। अब्दुल्ला ऑडियो कनेक्शन खत्म हो गया, कनेक्शन लॉस्ट। तो हम क्या कह रहे थे कि जो आपका बिल्कुल जो बिल्कुल कोर प्रिंसिपल है, राइट, जो आपका कोर प्रिंसिपल है टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, अब वो किस तरह से करना है वैसे तो हमें समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे किस तरह से। अब IFRS 15 ने कहा कि आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हुए, सेल को रिकॉर्ड करते हुए, सर्विसेज की प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हुए पांच सवालों के जवाब देने, पांच स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है कि क्या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं। ठीक है, अब हर स्टेप को हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। सही है, तो पहले हम मैं सिर्फ आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगी, फिर मैं आपको इसमें प्रॉपरली इसके बारे में बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है, और मतलब ये तो ये भी अगेन बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जी कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। कभी कभार ऐसे कोई ट्रांजैक्शन होती हैं, ऐसे कोई अरेंजमेंट इस तरह की हुई भी होती है कि हमें लग रहा होता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन असल में वो कॉन्ट्रैक्ट की जो डिश जो कॉन्ट्रैक्ट के जो उसने बताए हुए होते हैं फीचर्स, IFRS 15 ने बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब ये चीजें उसमें मौजूद होंगी। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स उसमें नहीं नजर आ रहे हमें सारे के सारे, तो हम कहेंगे कि आई एम सॉरी, हम अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सबसे पहला आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम स्टेप नंबर टू पे मूव अहेड करेंगे। अब स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेप नंबर टू है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इन स्टेप्स को याद करने का मैं आपको एक्रोनिम भी बता दूंगी तो आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बारे में भी अगेन हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं सिर्फ इसको ओवरव्यू दे देती हूं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है प्रॉमिस कि दोनों पार्टीज ने, मतलब हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें, अगर हम एंटिटी हैं, हम वो वाली एंटिटी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है ना, तो हमने ये क्या देखना है कि क्या हमने क्या चीज प्रॉमिस की हुई है, यानी कि हमने सामने वाली पार्टी हमारे से क्या एक्सपेक्ट करती है, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कही है कि हम उसको सप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट वी हैव टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कि इसमें हमने कौन कौन सी चीजें फुलफिल करनी है, हमारी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारी क्या है, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या काम करने हैं। यहां तक क्लियर है बात?
इसको प्रॉपरली हम देखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर थ्री क्या है? अब हम आ जाएंगे फिगर के ऊपर, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कह सकते हैं और इसको ट्रांजैक्शन प्राइस भी कहते हैं। सही है। तो स्टेप्स नंबर वन और टू में हम क्या कह रहे थे? हम क्वालिटेटिव चीजें देख रहे थे। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, वो उस पर टिक हुआ, तो आपने कहा कि अच्छा आप जरा ये देखें कि हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, हमें अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को, कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से सर्विसेज। तो हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ना हो, एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, कैसे होगा मैं इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ आपको सारी चीजें समझा दूंगी, क्लैरिफाई कर दूंगी। रेवेन्यू इज कंसिडर टू बी, पहले भी जब आईएएस 18 था तब भी, और शायद अब भी, अब का तो खैर आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, और बाकी टीचर्स भी पहली दफा ऑब्वियसली आईएएस 15 को अप्लाई करेंगे, समझाएंगे, तो लेट्स सी कि क्या रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स का। वरना आईएएस 18 जो है वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी जनरली ये थोड़ा वियर्ड सा टॉपिक लगता था, राइट, क्योंकि इसमें याद रखने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा थी। अब ये है जी, आवाज और वीडियो आ रही है सबको या सिर्फ महद को इश्यू है? आ रही है? अच्छा, आप लोगों में से कोई जरा महद को टाइप कर दे कि प्लीज री लॉग इन। ठीक है, चलें। तो सिचुएशन क्या था कि रेवेन्यू आईएएस 18 के अंदर जो रेवेन्यू था ना, वो थोड़ा वाकई में था कंफ्यूजिंग था। उसमें देयर वर सो मेनी थिंग्स टू रिमेंबर, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था रेवेन्यू को। रेवेन्यू अगर सेल और कुछ से होगा तो ये रूल फॉलो करने हैं, ये चीजें दिमाग में रखनी है। रेवेन्यू अगर फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होगा तो ये होगा, अगर इंटरेस्ट इनकम अर्न करें तो ये करें। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारे किस्म की इनकम को, सारे किस्म की अर्निंग को एक ही क्राइटेरिया पे लेकर आ रहे हैं। अच्छा, शायद मैंने आपको ये बात बोली कि रेवेन्यू से मुराद है मेन रेवेन्यू, यहाँ पे हम इसको बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम पे भी इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने इसको हर सोर्स ऑफ इनकम पे अप्लाई करना है। रेवेन्यू वैसे जनरल सेंस में हम यूज करते हैं दिस टर्म फॉर योर मेजर, द इनकम दैट यू अर्न फ्रॉम योर कोर ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड, यानी कि जो दूसरे हमारे अदर इनकम है छोटी मोटी, जो हमारी और भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी उसके ऊपर भी हम इन्हीं फाइव स्टेप मॉडल को अप्लाई करके आराम से रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, यानी कि इनकम की रिकग्निशन करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलें। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि सबसे पहले तो आपने ढूंढना है कि पूरी अरेंजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के सारे आपके जो फीचर्स है वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर तो स्टेप नंबर वन में कॉन्ट्रैक्ट आपका एस्टैब्लिश हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, देन यू गो ऑन टू स्टेप नंबर टू। और आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, आप उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ये ढूंढते हो कि हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या थी, एनपीपी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या थी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है, डेफिनेशन प्रॉपर देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बताने के लिए, इट इज समथिंग दैट द एंटिटी हैज प्रॉमिस्ड। क्या प्रॉमिस किया है, ठीक है, कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। सही है, आगे जब आपके ये दो क्वालिटेटिव स्टेप्स आपके पूरे हो जाएंगे, आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हो सकता है एक से ज्यादा हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करना हो, राइट, तो अगर आपने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली, फिर बारी आती है अब आप अमाउंट के ऊपर फोकस करोगे। अमाउंट के लिए आप क्या करते हो, जाहिर सी बात है आप एक चीज जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप ये भी लिखते हो कि हम ये सारे काम करेंगे इतने रुपीज के लिए, राइट। ऑब्वियसली आपने मुफ्त में तो काम नहीं करना, तो आप क्या करते हो, आप अगेन अरेंजमेंट में ही आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि ये सिनेरियो है, ये हमने अग्री किया था कि हमने ये करना है, और इन सारे कामों के लिए हमने ये अग्री किया था कि कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। ठीक है, तो अब आपको इंशाल्लाह जब क्वेश्चन पर हम आएंगे, एग्जाम्पल पे आएंगे, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। आज के दिन हम थोड़ा सा इसको बेसिक का हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, बेसिक एग्जाम्पल, इसमें थोड़े से क्या कहते हैं, थोड़े से एडवांस सिनेरियोस भी हैं। ठीक है, जिले मैंने अभी और कुछ चीज लिखी नहीं है,
अब अगर मूव कर रही है देन दैट्स फाइन, मैं अभी स्टेप नंबर 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सही है। तो आपने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमिन कर ली, आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, अरेंजमेंट में ही गिवन होगा कि हमने जो ये सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है उनके अगेंस्ट हमने पार्टी से एग्री किया कि हमें इतने इतने की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, राइट, इतनी हमारी प्राइस है। ये करने के बाद एक और छोटा सा स्टेप है और वो कहलाता है एलोकेशन ऑफ ट्रांसफर ट्रांजेक्शन प्राइस। अब ये आपको इंशाल्लाह एग्जाम्पल देखने के बाद ही प्रॉपरली समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है, इसमें छोटी छोटी निटिग्रिटी शामिल है, तो इसको फॉर द टाइमिंग आपने सिर्फ अपने पास याद रख कर लेना है, लिख लेना है एलोकेशन ऑफ, यानी कि ऊपर स्टेप नंबर 4 पे जो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो डिटरमिन की थी उसकी एलोकेशन का एक स्टेप है। क्या मतलब है अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह एग्जांपल के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली स्टेप नंबर 3-4 के बाद यू विल बी इन अ पोजिशन टू डू व्हाट, यू विल बी इन अ पोजिशन टू रिकग्नाइज द रेवेन्यू, एज एंड वेन द एंटिटी परफॉर्म्स द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। सही है। तो अब आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, मेन काम आपका हो रहा है स्टेप नंबर 5 पे, यानी कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है स्टेप नंबर 5 पे, और उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या है, एज एंड व्हेन द एंटिटी परफॉर्म्स द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जब फिगर की बात आएगी कि किस फिगर से आपको रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आप स्टेप नंबर 4 पे चले जाएंगे, राइट। तो आपने सबसे पहले सारी चीजें थोड़ी सी क्वालिटेटिव स्टेप्स आपने फुलफिल किए, आपने कहा पहले कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर लें, वो करने के बाद आपने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेक कर लें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है उसका एक रीजन है। ये जो स्टेप नंबर 4 है एलोकेशन, ये ऊपर वाला जो स्टेप नंबर 2 और 3 है, ये स्टेप नंबर 2 और 3 वुड एक्चुअली बी यूज फॉर स्टेप नंबर 4, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। और फिर अल्टीमेटली जो फिगर आप निकालोगे स्टेप नंबर 4 में, जो एलोकेटेड फिगर होगी उसको फिर आपने रिकग्नाइज करना है एज रेवेन्यू, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह भी इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल पे इंशाल्लाह आएंगे थोड़े 5-10 मिनट के बाद, पहले हम स्टार्ट कर लें अपना स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में अब हमें क्या चीज देखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सही है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप किस तरह से करोगे, जिसमें मैंने आपको ये बात बोली कि जरूरी नहीं है कि हर अरेंजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो, सही है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम जरा आगे जाएं, मैं आपको इसके एक्रोनिम भी बता दूं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने नोट किया हो, अगर आपने नोट किया हो, दैट्स ओके। हर स्टेप में मैंने किसी ना किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। स्टेप नंबर 1 में मैंने अंडरलाइन किया है सी को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में मैंने ओ ऑब्लिगेशन के ओ को अंडरलाइन किया है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन प्राइस में मैंने प्राइस के पी को किया है, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस में मैंने एलोकेशन के ए को किया है, और रिकग्नाइज रेवेन्यू के केस में रिकग्नाइज का आर आप जरा हाईलाइट कर लें। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको याद रखने की इससे करें, क्योंकि देखिए आपको IFRS 15 का जो क्वेश्चन है उसको आंसर इसी फॉर्म में करना है, वो आपसे इसी तरह से पूछेगा कि ये सिनेरियो है, जरा इसको बताएं कि इन लाइट ऑफ IFRS 15 हाउ विल यू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इस अरेंजमेंट के अगेंस्ट आप रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करेंगे। तो आपने एग्जैक्टली इसी तरह 5 स्टेप्स में आंसर करना है। आपने पहले बताना है कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हमने आइडेंटिफाई किया, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है,
एलोकेशन हमने इस तरह से किया और अब रिकग्नाइज हम इस तरह से करेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से, तहमल के साथ, तसल्ली के साथ ये क्वेश्चन आंसर होगा इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि आपको अपने आंसर को इस तरह से करना पड़ेगा, आपको इस तरह 5 स्टेप्स में बताना पड़ेगा। तो अब आप ये याद रख लें एक्रोनिम CORPAR। सी से क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओ से क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन लिखा हुआ उसका मतलब है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर पी से क्या मतलब है? प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन प्राइस, राइट। ए से क्या मतलब है? एलोकेशन। और स्टेप नंबर 4 में आपकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, तो उसमें इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। और आर से क्या मुराद है? रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू अल्टीमेटली। और इसका बेसिक क्या रूल है? आपने स्टेप नंबर 4 पे जो फिगर निकाली होगी, एलोकेटेड फिगर्स होंगी, आपने उनको रिकग्नाइज करना है एज एंड व्हेन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड, सही है। तो कॉपर ये याद रहेगा ना, कॉपर पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तीसरा स्टेप है प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमिन करना क्वेश्चन में गिवन होगा, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने की जरूरत, आपको सिर्फ सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, और फिर रिकग्निशन का बता देना है कि इसको इस अमाउंट को इस टाइम पे रिकॉर्ड करें एज रेवेन्यू, इस अमाउंट को इस टाइम पे रिकॉर्ड करें। यहां तक क्लियर है, ठीक है जी। अब जरा हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि कॉन्ट्रैक्ट को अब हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम जरा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख ले कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली व्हाट? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दैट क्रिएट्स enforceable rights and obligations। क्या मतलब हुआ? एक ऐसी agreement जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा parties, जो भी involved हैं, जितनी भी parties involved हैं, वो हो जाती हैं legally binding, है ना, वो legally bound हो जाती हैं। कि मुझे पता है कि जी अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब मैंने अगर सामने वाली पार्टी से कुछ प्रॉमिस किया, मैंने उसके साथ कोई एग्रीमेंट की, सही है, और मुझे ये बात पता है बैक ऑफ द माइंड पे कि ये एग्रीमेंट की लीगल हैसियत भी है, राइट, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं बैक आउट अब नहीं कर सकती, राइट। मैंने अगर प्रॉमिस किया है कि मैंने उसको कुछ डिलीवर करने हैं, तो मुझे हर हाल में डिलीवर करने होंगे, राइट। तो इसका क्या मतलब है? सामने वाली पार्टी अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकती है, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करवाना, उसकी उसके पास ये राइट है तो वो इस चीज को इन्फोर्स करवाए कि मैं बीइंग द एंटिटी, बीइंग द प्रोवाइडर ऑफ द गुड, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, अगर किसी अग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अरेंजमेंट तो है, अग्रीमेंट तो है, लेकिन अगर उसमें ये सिचुएशन है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को गुड्स सप्लाई करने थे, है ना, अब राइट्स तो दोनों पार्टीज के हैं, मेरे भी राइट्स हैं, सामने वाली पार्टी के भी राइट है। सामने वाली पार्टी का क्या राइट है? सामने वाली पार्टी इज द कस्टमर, राइट। अब कस्टमर का क्या राइट है? टू रिसीव द गुड्स। मेरा राइट क्या है? टू रिसीव द कंसिडरेशन, है ना,
कि जो मैंने गुड्स सप्लाई किए हैं उनके अगेंस्ट पैसे रिसीव करना। अब अगर अब हमने अग्रीमेंट तो कर लिया, हमने कहा कि जी ठीक है, मैंने उस पार्टी को कहा कि मैं आपको मार्च 2017 में 1000 यूनिट जो है वो मैं सप्लाई कर दूंगी, ये मेरा हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि सामने वाली पार्टी जब भी चाहे वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट कर सकती है, यानी कि क्या मतलब हुआ, देखें अब हमने अरेंजमेंट किस तरह से बनाया। मैं एग्जांपल अभी ऑन द स्पॉट आपके सामने बना रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूं कोई मैन्युफैक्चरर, लेट्स से आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन्स, आई एम दी एंटिटी जो रेवेन्यू बुक करने का सोच रही है ना, जो सोच रही है कि रेवेन्यू कितना बुक करना है और कब बुक करना चाहिए, राइट। अब पहले इस स्टेप पे मैं खड़ी हुई हूं। अब मैं ये स्पेशलाइज मशीन जो है ना वो मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे अब टाइम भी लगता है ना, मुझे मशीन मैन्युफैक्चर में करने में टाइम भी लगता है। आज क्या डेट है, आज है फॉर एग्जाम्पल 27 जनवरी 2017, और 27 जनवरी 2017 को मिस्टर ए मेरे पास आते हैं एंड ही प्लेसेस एन ऑर्डर सही है। अब मिस्टर ए आके मेरे पास कहते हैं कि जी आई नीड टू ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड मशीन। जी ऑडियो का इश्यू और भी सबको आ रहा है या सिर्फ उसामा को आ रहा है? नो इश्यू, ओके सही है। तो अब क्या सिचुएशन हुआ, अब मैंने मिस्टर ए को कहा कि जी देखिए मैं मैन्युफैक्चर करूंगी स्पेशलाइज्ड मशीन को, और मैं अब उनसे ये अग्री कर देती हूं कि ठीक है 31 मार्च 2017 को हमारी अग्रीमेंट क्या हो रही है, अरेंजमेंट ये हो रही है कि आई विल सप्लाई दोस टू स्पेशली कंस्ट्रक्टेड मशीन, स्पेशल मशीन जो है, स्पेशलाइज्ड मशीन जो मैंने मैन्युफैक्चर की हैं, वो मैं आज के दिन स्टार्ट कर दूंगी, उनके ऊपर काम करना शुरू है ना, और मैं 31 मार्च को आपको टू स्पेशल मशीन आपके डोर स्टेप पे डिलीवर कर दूंगी। ये समझ में आ रहा पूरा सिनेरियो? अब मैंने इतना टाइम क्यों लिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे अभी इसको कंस्ट्रक्ट करवाना है, मुझे अभी मैं प्रोड्यूस करनी है मशीन, मैंने पार्ट मंगवा के मैंने असेंबल करने है, मैंने उनको बनाना ही अभी है, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इसके लिए टाइम चाहिए। अब अगर उस अग्रीमेंट में एक क्लॉज इस तरह का भी डला हुआ है, मिस्टर ए क्या क्लॉज डला हुआ है कि मिस्टर ए कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम विदाउट कंपनसेटिंग मी, समझ आ रही बात, कि अगर अब उस क्लॉज में स्पेशल क्लॉज इस तरह का भी डाला हुआ है कि मिस्टर ए जो है विदाउट कंपनसेटिंग दी एंटिटी जो कि कौन थी, मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज मशीन, राइट। तो अब इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, देखो कंपनसेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, ऐसी बात है मैंने तो आज के दिन से उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2017 को मिस्टर ए मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी जी मुझे इन मशीनरी की अब कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा तो लॉस नहीं हो जाएगा, मैंने तो मशीनरी को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने जो मशीनरी कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दी थी देवर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, यानी कि वो टेलर मेड थी, मिस्टर ए ने मुझे अपनी नीड्स बता दी थी और मैंने उसके हिसाब से उसको बनाना शुरू कर दिया था। तो अगर तो ये क्लॉज डला हुआ है कि मिस्टर ए कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कॉम्पनसेटिंग मी एट ऑल, तो मैं ये कहूंगी कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करेगा, है ना। पहले स्टेप पे मैंने क्या कह देना है कि जी ये फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ,
क्योंकि इसके अंदर मेरे पास यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है, ठीक है, उसके पास इन्फोर्सेबल राइट नहीं है। इन अदर वर्ड कि वो अब वो फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं जी मिस्टर है, आपने तो अग्री किया हुआ है, अब मेरा तो लॉस हो गया, अब क्या करूं मैं, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में फिर कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो फिर हम थोड़ी बात देखें। हो सकता है मिस्टर ए मान जाए, है ना। अब देखो ये सारा काम हम कब कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। हम इसको पहले देख रहे हैं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट पे किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 27 जनवरी को। तो 27 जनवरी से ही हम सोच में पड़ जाएंगे कि हमने रेवेन्यू इसके अगेंस्ट रिकॉग्नाइज करना है, कितने से करना है, कब करें, अभी करें या बाद में करें। यहां तक बात समझ आ गई। तो पहले ही स्टेप पे हमने चेक किया कि क्या ये सिचुएशन, क्या ये अरेंजमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को फॉलो करता है या फुलफिल करता है या नहीं करता, ठीक है। ये तो खैर आपका एक जनरल डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। इसके अलावा भी आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, एक अरेंजमेंट को क्वालिफाई कहलाने के लिए आपको इसके अलावा भी काफी चीजें देखनी होती हैं, और वो क्या है वो अभी आप नोट कर लें। कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये ऊपर जो मैंने आपको लिखवाया था, ये छोटी सी पिक्चर थी, दैट वाज जस्ट द जनरल डेफिनेशन, जिसमें वो क्लक्स मेंशन हुआ था कि जी इन्फोर्सेबल राइट होने चाहिए, राइट। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तब कहलाएगा, एक अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब कहलाएगा जब उसमें ये सारे फीचर्स मौजूद होंगे। इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का एलिमेंट उसमें कब आएगा, जब उसमें ये सारे फीचर्स मौजूद होंगे। तो पहला तो आपके पास हो गया कि अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टीज, कि जितनी भी पार्टीज हैं टू दी अरेंजमेंट, वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट जो है वो अप्रूव्ड होने चाहिए। अब हम इसके थोड़ा सा बाद में इसको मैं आपको बताऊंगी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होता है या नहीं होता, राइट। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न हो, वो वर्बल भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। इन एनी केस जो भी है, सारी पार्टीज उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, उस पर्टिकुलर प्रॉमिस, उस पर्टिकुलर कंसिडरेशन से अग्री करती हूँ, भले रिटर्न फॉर्म में, भले उन्होंने वर्बली ये बात बोली हो या इम्प्लाइड बात हुई है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस अरेंजमेंट में, उस अग्रीमेंट में ईच पार्टी राइट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। क्या मतलब हुआ, अब इस सिनेरियो में मिस्टर ए के राइट क्या था, टू रिसीव द स्पेशलाइज्ड मशीनरी अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स। मेरा राइट क्या था, टू रिसीव द कंसिडरेशन, है ना। तो अगर हमने अरेंजमेंट अग्रीमेंट इस तरह का किया है कि उसमें हर पार्टी के राइट जो है वो प्रॉपरली और क्लियरली लिखे हुए हैं, और वो हमें नजर आ रहा है कि सामने वाली पार्टी के ये राइट हैं, हमारे ये राइट हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा फीचर भी हो गया फुलफिल, राइट। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भले वर्बली या भले रिटर्न फॉर्म में या इम्प्लाइड फॉर्म में, पेमेंट टर्म्स भी हमें पता होने चाहिए। दे शुड बी आइडेंटिफाइड एज वेल कि पेमेंट कब कब होगी, क्या अमाउंट किस तरह से पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करना है, लमसम पे करना है, कौन सी डेट पे पेमेंट करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो पेमेंट टर्म्स का वहां पे होना और पेमेंट टर्म्स का स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड होना, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा। अगर पेमेंट टर्म्स सेपरेटली, मतलब पेमेंट टर्म्स प्रॉपरली आइडेंटिफाइड नहीं आप कर पा रहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से हो जाएगा खारिज, राइट। आगे आते हैं, और इसमें और कौन सी रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑल्सो हैव अगर एक ऐसी कोई अरेंजमेंट है
जिसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का ये चौथा इंपॉर्टेंट फीचर भी फुलफिल कर रहा है। अब कमर्शियल सब्सटेंस का होना क्या मतलब है? कमर्शियल सब्सटेंस के होने का मतलब ये है कि इट शुड बी ऑफ सम वैल्यू टू द एंटिटी दैट इज प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विसेज। सही है? यानी कि इसको अगर मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आपको समझाऊं, तो अगर तो ये सिचुएशन हो कि मेरे बिजनेस की नेट प्रॉफिट पे, मेरे बिजनेस के कैश फ्लोस पे अगर किसी एग्रीमेंट का होना या ना होना कोई इफेक्ट नहीं करता, तो मैं ये कहूंगी कि मेरे एग्रीमेंट की कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सही है? यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू और वर्थ होनी चाहिए कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ना किया तो मेरे कैश फ्लोज बहुत मटीरियली डिफरेंट होंगे, मेरा प्रॉफिट अफेक्ट करेगा, और अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरे कैश फ्लोज ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे और मेरा नेट प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कमर्शियल सब्सटेंस का होने का मतलब ये है कि इट शुड बी ऑफ सम मॉनेटरी, सम फाइनेंशियल वैल्यू टू द प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए, राइट? इन अदर वर्ड्स, लेमैन टर्म्स में अगर हम बात करें। और पांचवा इसका फीचर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इट शुड बी प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? कि अगर हमें ये नजर आ रहा है पूरे सिनेरियो को देखने के बाद, सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद, अब हमें बाकी सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही है, पेमेंट टर्म्स भी हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं, पता है कि क्या पेमेंट टर्म्स हैं, हमें उसको उसकी कमर्शियल सब्सटेंस भी नजर आ रहा है, हर पार्टी का राइट भी हर एक को पता है, हर जो अरेंजमेंट है वो सबने अप्रूव भी किया है, लेकिन सिचुएशन कुछ यूं है कि सामने वाली पार्टी के चांसेस नहीं नजर आ रहे कि हमें उससे कंसिडरेशन मिलेगा, प्रॉपरली प्रोबेबल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सही है? यानी कि हम पहले स्टेप पे ही कह देंगे रेवेन्यू रिकग्निशन का पहला स्टेप ही फुलफिल नहीं हुआ और हम ये कहेंगे कि जी सॉरी, आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक क्राइटेरिया थे उन्हीं वही फुलफिल नहीं हुआ, हमें चांसेस नहीं नजर आ रहे कि एंटिटी हमें, सामने वाली पार्टी जो है वो हमें कंसिडरेशन पे कर सकेगी। अब ये किस तरह से होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो एक एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है स्टैंडर्ड के अंदर, वो कुछ इस तरह से है, समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का मतलब ये क्या है? बाय एंड सेल प्रॉपर्टीज, राइट? अब मेरा बिजनेस जो है, मेरा बिजनेस एक कस्टमर को बिल्डिंग बेचता है, ठीक है? बिल्डिंग बेचता है और टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट कुछ इस तरह से हैं, बिल्कुल अगर एक भी फुलफिल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि बस वो स्टेप नंबर वन पे ही सारा खत्म, बिल्कुल दीज आर ऑल मैंडेटरी। मैंने यही तो कहा कि अगर बाकी चार चीजें आपको नजर आ रही हैं और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे, कंसिडरेशन मिलेंगे, मिलेगा, तो आप कहोगे कि सॉरी जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, ठीक है? अच्छा, आप जरा इसकी एग्जाम्पल सुन लें कि कैसे हो सकता है कि अरेंजमेंट है, अग्रीमेंट है, लेकिन उसके बावजूद प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट कंसिडरेशन, ये किस तरह से हो सकता है? अब मैंने आपको ये क्या कहा कि मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का, मैंने अपने कस्टमर को एक बिल्डिंग बेची, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल द बिल्डिंग, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड है, यानी कि अग्रीमेंट जो है, अरेंजमेंट हमारा अप्रूव्ड है, सामने वाली पार्टी भी अग्री कर रही है सारे टर्म्स से, मैं भी अग्री कर रही हूँ, फिर मुझे अपने राइट्स भी पता है। मेरा राइट ये है कि मुझे इतने का कंसिडरेशन मिलना चाहिए, यानी कि मुझे इतने का कंसिडरेशन हमने अग्री किया है कि जी बिल्डिंग के अगेंस्ट इतना पे करेंगे हम, और सामने वाली पार्टी को पता है कि उसको बिल्डिंग मिल जाएगी, राइट? पेमेंट टर्म्स भी आइडेंटिफाइड है, और पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह के हैं कि वो आपका डिपेंड करता है, पेमेंट की डिपेंडेंसी है, कस्टमर को क्या करना है, कस्टमर को उस बिल्डिंग से बनाना है रेस्टोरेंट, और पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह के हैं कि जैसे जैसे रेस्टोरेंट से हमारी सेल होती रहेगी ना,
हम आपको पे करते रहेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? और ये बात हमने भी अग्री कर ली है, सारे टर्म्स अग्रीड हैं. मैं अरेंजमेंट दोबारा से बता देती हूँ, सारे टर्म्स अग्रीड अपॉन है, हर एक पार्टी के राइट भी हर एक को पता है, आइडेंटिफाइड है. और पेमेंट टर्म कुछ इस तरह के है कि हमने जो कस्टमर को बिल्डिंग बेची है, कस्टमर ने हमें बताया है कि मैंने इस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट खोलना है, मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आई कैन नॉट पे यू योर कंसिडरेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्स. मैं आपको जो आपके पैसे दूंगा या दूंगी इस बिल्डिंग के, वो किस तरह से मैं पे करूंगी कि मैंने बिल्डिंग में रेस्टोरेंट खोलना है, उस रेस्टोरेंट से जो मुझे कमाई होगी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके, फॉर एग्जाम्पल हर साल मैं दो दो इंस्टॉलमेंट करके आपको पे बैक करती रहूंगी या करता रहूंगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? पेमेंट टर्म्स पता है, कैन बी आइडेंटिफाइड कि ये टर्म्स हैं. हर साल इक्वल जो है वो सेमी एनुअल पेमेंट्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी और 1 जुलाई को मैं आपको पेमेंट करूंगा या करूंगी, लेकिन वो पेमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि वो कहां से ओरिजिनेट होंगी. जो मैं आपकी बिल्डिंग आपसे खरीद रहा हूँ अभी, उसमें मैंने रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट से जो कमाई होगी तो उसी को यूज करते हुए मैंने आपको पे बैक करना है. यहाँ तक समझ आ रही है? उसी को यूज करते हुए मैंने आपको कंसिडरेशन आपकी पे करनी है. यहाँ तक समझ आ रहा है? तो पेमेंट टर्म इसकी कुछ इस तरह से है. जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होगे तो आपको पता चलेगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सिंपल सा नहीं होता कि एक हाथ से लो गुड्स लो दूसरे हाथ से पैसे दे दो. बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के अरेंजमेंट होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो कि आप जिसका भी थोड़ा सा मजाक रखेंगे IFRS 15 में. तो देखिये अभी कितनी अजीब सी अरेंजमेंट है, राइट? लेकिन अग्रीड है, सारी पार्टीज ने कहा ठीक है. मैंने भी कहा कि ओके फाइन, कंसिडरेशन किस तरह से पे करोगे आप? क्या आपने इस बिल्डिंग हमारे से खरीदी, इसमें आपने रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट से जो कमाई आएगी उससे फिर आपने हमें साल में जो है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपने हमें पे बैक करना है. ठीक है, अग्री. सारी चीजें एक्सप्लिसिट है, सब चीजें एक दूसरे को पता है. इस अग्रीमेंट की कमर्शियल वैल्यू भी है हमारे लिए, है ना? वी आर द रेवेन्यू वाली पार्टी, तो हमारे लिए इस एंटिटी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का कमर्शियल सब्सटेंस भी वैल्यू भी है हमारे लिए, राइट? अब हम आ जाते हैं आखिरी वाले पॉइंट पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम ये कंसिडरेशन, हमें पेमेंट हमारी पूरी मिल जाएगी या नहीं. अब मैं आपको एक और सिचुएशन बताती हूँ. वो जो बिल्डिंग कस्टमर ने जिस एरिया में खरीदी है ना, उस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है? ऑलरेडी उस एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, कंपटीशन बहुत हाई है. और चले मैं इसमें एक और स्पाइस डाल देती हूँ कि ओवर पिछले कई सालों में उस एरिया में नया रेस्टोरेंट जो भी खुला है वो थोड़े दिनों पे बाद बंद ही हुआ है. क्यों? क्योंकि उस एरिया में पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे थे. अब बात समझ आई? अब आपने कहा कि पूरा सिनेरियो समझने के बाद अब हमें ये लग रहा है कि दी एंटिटी, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट दी एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन. क्यों प्रोबेबल नहीं है? क्योंकि पेमेंट टर्म्स में ये बात बता दी गई है कि सामने वाली पार्टी के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसने हमें पे करना है कंसिडरेशन फ्रॉम इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्टोरेंट. और हमें अभी इस पॉइंट पे ये लग रहा है कि शायद इसका रेस्टोरेंट ना चले बिकॉज ऑफ हैवी कॉम्पिटिशन. तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे आज की डेट, आज 27 जनवरी है, आज की डेट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने बिल्डिंग को बेच दिया, लेकिन जैसे ही बात आई रेवेन्यू रिकग्निशन की, हम कहेंगे नहीं जी, आज के दिन हमें रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करना. तो फिर कब करना है? कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट तो हो गया, अग्रीमेंट हो गया, बिल्डिंग भी आपने बेच दी, राइट? तो आपने फिर उसके अगेंस्ट रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करना है, उसकी फिर मैं कंडीशंस आपको भी बताऊंगी. पहले आप मुझे ये बात बताएं, ये यहां तक क्लियर है? अभी हम उस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्ट की, और उसमें 500 के 500 आपके जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो गई. ठीक है, अभी हम इस पर फोकस करते हैं. फिर जी उसामा, महद, जिले, जवाब, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. जब आप एक दफा इसको थोड़ा समझते हो ना, बड़ा मजा आता है इसको करने में. जी
यहां तक क्लियर है? चले, अब हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, अब हमने पहले स्टेप पे कॉन्ट्रैक्ट की आइडेंटिफिकेशन की बात की, हमने ये चेक किया कि क्या इस अरेंजमेंट में ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो देखें आप सवाल में किस तरह से आएगा, अगर तो क्वेश्चन में इन सब में से कोई एक आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही होगी ना, वो आपको एक्सप्लिसिटली बता देगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कहेंगे, अगर आपके सामने कोई अरेंजमेंट है, अगर आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, हम ये कहेंगे कि अगर तो इसमें से इसने हमें कोई खास बात नहीं बताई हुई ना खास तौर पे कि जी ईच पार्टीज राइट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड, जब तक वो ये बात नहीं बोलेगा हम कहेंगे कि जी बाय डिफॉल्ट हर पार्टी के राइट हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि बाय डिफॉल्ट उस अरेंजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी अनलेस वो एक्सप्लिसिटली हमें बता दे, राइट? क्योंकि इन इन पांचों फीचर्स में से कोई एक फीचर ना होना ये कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस होता है ना, स्पेशल किस्म की फिर वो अरेंजमेंट होती है कि उसमें कोई चीज मेंशन नहीं होगी, वरना ये सारी चीजें आपको पता होती हैं, है ना। अरेंजमेंट करते हुए आप जैसे होते अप्रूवल को भी देखते हो, आप हर चीज को क्लैरिटी भी रखते हो, राइट्स भी आइडेंटिफाइड होने चाहिए, पेमेंट टर्म्स भी आइडेंटिफाइड होने चाहिए, उसकी वैल्यू भी होती है नॉर्मली, और नॉर्मली प्रोबेबल भी होता है कि जी एंटिटी जो है वो रिसीव कर लेगी कंसिडरेशन, राइट? तो हम ये बात कहेंगे कि बाय डिफॉल्ट स्टेप नंबर वन में तकरीबन सारे सवालों में क्या सिनेरियो होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एटलीस्ट एस्टैब्लिश हो रहा होगा, और अगर उसने खासतौर पे इन पांचों आइटम में से किसी आइटम के बारे में बता दिया कि ये चीज नहीं है, ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, तो हम बोल देंगे कि जी इसमें पहले स्टेप पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो इसकी रेवेन्यू रिकग्निशन अब होगी थोड़े डिफरेंट तरीके से। आर वी क्लियर ऑन दैट? ठीक है जी, चले। तो अब हम लोग के पास ये सिचुएशन आ गई कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को, और हम लोगों ने उसके अंदर ये सारे फीचर्स को चेक कर लिया कि ये सारे फीचर्स मौजूद हैं या नहीं। जैसे ये सारे फीचर्स मौजूद होंगे कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, यू विल मूव ऑन टू स्टेप नंबर टू जो कि क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक है, चले अब ये बात करते हैं कि अगर स्टेप नंबर वन पे कॉन्ट्रैक्ट ही इस्टैब्लिश नहीं होता, यानी कि द अग्रीमेंट डज नॉट मीट द अबव फाइव क्राइटेरिया, पांचों की पांचों फुलफिल होने चाहिए, पांचों में से कोई एक भी मिसिंग है, हम कहेंगे द क्राइटेरिया द क्राइटेरिया इज नॉट मेट। तो अगर ये सिचुएशन होता है कि स्टेप नंबर वन पे द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेट, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप नंबर टू पे तो नहीं जा सकते, है ना। तो हमने अग्रीमेंट तो कर लिया, हमने बिल्डिंग तो बेच दी, रेवेन्यू कभी ना कभी तो रिकॉग्नाइज करना होगा, तो फिर कैसे करेंगे, इफ द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेट, तो फिर हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे और किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे उसको जरा लिख लें। ये वैसे सारी चीजें आपके स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है, बट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट देम इन अ सिंपलर वे। ठीक है, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज ओनली व्हेन यहाँ पे एंटिटी से क्या मुराद है, सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स का जो प्रोवाइडर है। ठीक है, द एंटिटी हैज फुलफिल्ड इट्स ऑब्लिगेशन एंड सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कंसिडरेशन has been collected and that consideration is non-refundable, यानी कि वो आपको वापस नहीं करना। क्या मतलब हुआ इसका,
फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट को जब चेक किया तो हमें ये पता चला कि उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल पेमेंट टर्म्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड, सही है, यानी कि उसमें अब कंसिडरेशन का मसला नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन कलेक्टेड, ठीक है। तो अब क्या सिचुएशन है, या वैसे उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ उसको। अब हम ये कह रहे हैं कि उसमें पेमेंट टर्म आपके जो है पेमेंट टर्म्स वाला क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं कर रहा, तो फिर आपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज कब करना है, रेवेन्यू का आप कब रिकग्नाइज करेंगे, जब हम लोगों ने यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स का जो प्रोवाइडर है जब वो एंटिटी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दे, उसको जो काम करना था जो उसकी ऑब्लिगेशन थी उसने पूरा कर दिया और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन हैज बिन कलेक्टेड एंड इज नॉन रिफंडेबल, तो आप फिर उस पॉइंट पे रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे, नॉट बिफोर दैट नॉट आफ्टर दैट, ठीक है। फिर या कब रिकग्नाइज करेंगे और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड और जितनी भी आपको कंसिडरेशन मिल गई है, अब इसमें सब्सटेंशियली का टर्म नहीं है, ठीक है, एंड द कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल, एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉन रिफंडेबल। अब इसको जरा अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस सिनारियो में अप्लाई करते हैं। अब यहां पे क्या कह रहा है ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अरेंजमेंट की और वो अरेंजमेंट ऐसी थी कि लेट्स से उसके अंदर आपके ईच पार्टी के राइट्स वर नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, ठीक है। अब आपने अरेंजमेंट तो कर ली, आपने गुड्स फॉर एग्जाम्पल डिलीवर भी कर दिए, ठीक है। अब उसके अंदर अगर तो आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, जैसे ही आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, आपने गुड्स डिलीवर कर दिए और उसके अगेंस्ट आपको सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन मिल गया, आप उस पॉइंट पे रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्या सिनारी होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था आज लेकिन आपने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, ठीक है, आपने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, इंस्टेड क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाता है टर्मिनेट। अब अगर आपने उसके अगेंस्ट थोड़ी बहुत कंसिडरेशन रिसीव कर भी ली थी तो द एक्सटेंट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव आप टर्मिनेशन डेट पे रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लोगे, क्यों, क्योंकि वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल है। बात समझ आई, आपने पहले स्टेप पे जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, फिर सवाल ये आया कि जब कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया मीट ना हो तो फिर रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे। अब अगर तो सिनारियो ये है कि जी कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है, और वो बिल्कुल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द वे वो अगर फुलफिल आराम आराम से होता जा रहा है तो जैसे ही आप अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करोगे और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन विल बी रिसीव दैट शुड बी नॉन रिफंडेबल, आपने उस पॉइंट इन टाइम पे रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लेना है, ठीक है। और अगर सिचुएशन ये है कि पहले स्टेप पे वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं स्टैब्लिश हुआ, आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ, आपके फीचर्स भी नहीं फुलफिल हुए और सिचुएशन क्या होती है कि आगे जाके वो जो अरेंजमेंट है वो आपका टर्मिनेट हो जाता है, तो अगर आपने कोई कंसिडरेशन रिसीव की हुई थी और वो नॉन रिफंडेबल थी टू द एक्सटेंट ऑफ कंसिडरेशन द नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन रिसीव आप अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लोगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी एंटिटी ने, अगर आपने अपना ऑब्लिगेशन भी फुलफिल कर लिया और आपने सब्सटेंशियली कंसिडरेशन को रिसीव भी कर लिया लेकिन वो कंसिडरेशन थी रिफंडेबल, तो आप उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज अब तक नहीं करोगे, ठीक है, सही है। रेवेन्यू रिकग्नाइज फिर तब होगा जब आप पूरी की पूरी कंसिडरेशन आपको मिल जाएगी, एक रुपया भी जब आपका नहीं बचेगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द नॉन रिफंडेबिलिटी ऑफ द कंसिडरेशन। यू गेटिंग माई पॉइंट?
अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल होती है तो फिर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जाहिर सी बात है जब हमें पूरी कंसिडरेशन मिल जाएगी, तब तो वो हमारा हक लाल हो गया ना, सही है। अब आगे आते हैं, तो जब अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर जिस पॉइंट पे मुझे पूरी की पूरी कंसिडरेशन मिल जाएगी तो उस पॉइंट पे द कॉन्ट्रैक्ट वुड एक्चुअली स्टैंड फुलफिल, क्योंकि आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और सामने वाली पार्टी ने आपको सारी कंसिडरेशन पे बैक पे कर दी, तो आपका भी राइट फुलफिल हो गया, सामने वाली पार्टी का भी राइट फुलफिल हो गया, तो वो वाला पॉइंट तो हो गई रेवेन्यू रिकग्निशन का, सही है, ठीक है जी। तो अगर कंसिडरेशन के क्लॉज है नॉन रिफंडेबल तो सब्सटेंशियली जैसे रिसीव होगा, सब्सटेंशियली जो है वो केस टू केस डिफर करता है, ये नॉर्मली होता है मोर देन 50%। या एक काम इसको करें, इसको काफी सिनेरियो में देखते हैं कि जी अगर 80% से ज्यादा फॉर एग्जांपल आपको कंसिडरेशन मिल गई है तो आप कहोगे ठीक है जी रेवेन्यू रिकग्नाइज कर दो, क्योंकि वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल है। लेकिन अगर कंसिडरेशन होती है रिफंडेबल, आपने अपना फुल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल करना है और सामने वाली पार्टी ने आपको पूरी की पूरी कंसिडरेशन भी पे करनी है, उस पॉइंट पे आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, उससे पहले नहीं करना। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है जी। तो एक काम ये करते हैं, इसको यहीं तक आज रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट हमारा तकरीबन हो चुका है, जो बेसिक इसके बारे में डिस्कशन करनी थी वो हो चुकी है। मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों से बाकी स्टेप्स में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाले में इतनी कोई डिस्कशन वाली चीज नहीं है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में सिर्फ आपको मुझे ये बताना है कि प्रॉमिस है क्या, आइडेंटिफायर्स को किस तरह से करना है, वो मैं क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह आपको करवा दूंगी। और फिर अगले दो स्टेप्स जो है वो इसके कैलकुलेशन बेस्ड है, वो भी इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कि वो भी खत्म हो जाए। और आखिरी स्टेप जो है वो रेवेन्यू रिकग्निशन का, वो भी आपके स्टेप नंबर 4 से ही रिलेट करता है, तो मैं इकट्ठा आपको बता दूंगी। तो एज लॉन्ग एज आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का सिनेरियो जो है वो क्लियर है, वे गुड टू गो, सही है। तो अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तो स्टेप नंबर 2, अगर आपका क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो फिर रेवेन्यू के आगे किस तरह से रिकग्नाइज करना है। Revenue will be recognized only when the entity has fulfilled its obligation and substantially all other consideration has been collected and is non-refundable, or when the contract has been terminated, कि ना हमने applications अपनी fulfill की, ना सामने वाली party ने अपनी पूरी application fulfill की, पूरी obligation, ठीक है, उसमें ना हमने अपनी obligation fulfill की सारी और ना ही सामने वाली party ने obligation fulfill की, तो हम उसमें क्या करेंगे? और अगर contract हो जाता है terminate, तो जितनी भी हमें कंसिडरेशन मिल चुकी हुई है और वो नॉन रिफंडेबल है, उसको हमने रिकग्नाइज कर लेना है एज रेवेन्यू। यहां तक क्लियर है? अब जाहिर सी बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है और कंसिडरेशन रिसीव होती है रिफंडेबल, तो वो पैसे हमें वापस करने पड़ जाएंगे, रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा ही नहीं, है ना, रेवेन्यू आपका रिकग्नाइज होगा ही नहीं। तो अगर इस वाले सिनेरियो में कोई मुझसे पूछे कि जी अगर कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो तो फिर रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे, मैं कहूंगी इसमें रेवेन्यू रिकग्नाइज करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी बोलेगी कि जी कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट हो गया और हमने ये एग्री किया था कि जो कंसिडरेशन हम पे करें वो रिफंडेबल है, वापस करें मेरे पैसे, राइट। तो उस सिनेरियो में आप कहोगे कि इस तरह वापस से हम उसी जीरो मीटर पर आ गए जिस तरह से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, राइट। तो चले इंशाल्लाह फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं, इसको हमें तहम्मुल से करना है, आराम आराम से करना है। और ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल इंशाल्लाह हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज होगी और हम और स्टेप्स को कवर कर लेंगे और एग्जांपल पर भी आ जाएंगे, ठीक है जी। चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।